जापान एक ऐसा देश जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता, पर इन सब के अलावा जापान को एक गायन शौचालय का भी देश कहा जाता है, या फिर एक ऐसा देश जहां की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो इस देश को दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए खुलकर जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर वन, स्क्वायर वाटरमेलन्स। दोस्तों, तरबूज के इस आकार का आविष्कार पिछले 70s में एक ग्राफिक डिजाइनर की मदद से किया गया था, क्योंकि इस आकार में इन्हें फ्रिज में मजबूती से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इन्हें एक स्पेशल कंटेनर में उगाते हैं, जैसे कि ये काफी महंगे और खूबसूरत होते हैं। लोग इन्हें खाने के तौर पर न खरीद के सजाने के तौर पर ज्यादा खरीदते हैं। नंबर टू, रामेन नूडल्स बाथ। हाकोन में बसे इस यूनशान स्पा रिजोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स खिलाकर लोगों का दिल बड़े आराम से जीत लिया जाता है। जापान के काफी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उनका ये मानना है कि सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में कोलेजन पाया जाता है। नंबर थ्री, बिजार फ्लेवर ऑफ किटकैट। चिल्ली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटेटो, ग्रिल कॉर्न, सोयाबीन, साल्ट वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, ये सब बस कुछ किटकैट के छाटे गए फ्लेवर्स हैं जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा खाना पसंद करेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर फोर, फेक फूड। जापान के कुछ एक्सपर्ट्स प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं, और वो भी देखने में उतना ही लजीज लगता है जितना कि असली खाना लगता है। जापान के कितने ही रेस्टोरेंट्स इन प्लास्टिक के खानों को अपने रेस्टोरेंट्स की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि इन प्लास्टिक के खानों को तैयार कराने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर फाइव, रैबिट आइलैंड। 1940 की बात है जब वैज्ञानिक ओकुनाशिमा आइलैंड पर कुछ चूहे लाए और उन पर टेस्ट करने का सोचा, पर कुछ महीनों बाद वहां उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग वहां घूमने जाने लगे और अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। नंबर सिक्स, पूरी कुरा मशीन्स। किसी बूथ में फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने अनुभव से उसमें एक नया मोड़ दे दिया। उनके फोटो बूथ को पूरी कुरा नाम से जाना जाता है, जो आपको वही उसी वक्त उन फोटोज को एडिट करने की अनुमति भी देता है, और आप उससे अपने फोटो में स्टिकर्स एड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, और इन सब के बाद बड़े आसानी से उन फोटोज को अपने सेलफोन में भेज सकते हैं। नंबर सेवन, पीपल पुशर्स। मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहाँ आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है, और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके जब तक कि दरवाजे बंद न हो सके। नंबर एट, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आम देशों में हम किसी बिल्डिंग में जाने से पहले अपनी कार या बाइक को पार्क करके अंदर चले जाते हैं, पर जापान में अगर आपको किसी बिल्डिंग में जाना हो तो कार्स और बाइक्स को पार्क करने के साथ साथ अम्ब्रेला भी पार्क करना पड़ता है, और आपका अम्ब्रेला वहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। अम्ब्रेला पार्क करने के पीछे मकसद ये है कि आप बिल्डिंग को पानी पानी करने से बचा सकते हैं। अगर आपका अम्ब्रेला पानी से तर हो, जापान के लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग, होटल और ऑफिसेज में इन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का इस्तेमाल होता है। नंबर नाइन, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है, और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन्स से कुछ भी खरीद सकते हैं, महली से लेकर अंडरवियर भी, कुछ भी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हमारे देश में भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं।